यूपी में बीजेपी जदयू की दोस्ती शमशे में। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कुर्मी वोटर की आबादी 12%। जदयू ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। बीजेपी 5 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। कोयले की कमी, उत्तर बिहार में गंभीर बिजली संकट। नवरात्र में बढ़ी परेशानी, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में एक एक घंटे के रोटेशन पर बिजली आपूर्ति। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। बक्सर के इटहाड़ी प्रखंड में पंचायत चुनाव में 51 अभ्यर्थियों ने लिया नाम वापस। 1875 प्रत्याशी मैदान में भर रहे हैं दम। पटना में डंपर ने बाइक सवार दो को कुचला, एक की मौत। पेट्रोल लेने जा रहे थे बाइक सवार, कुछ दूर पहले ही डंपर ने रौंदा, गाड़ी छोड़कर फरार हो गया ड्राइवर। बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ी, भीड़ का रखना होगा हिसाब किताब, आयोग को देना होगा सभा में आने वालों का डाटा। पटना में खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत, 3 अन्य घायल। मुजफ्फरपुर शहर वासियों को जाम से राहत दिलाने की पहल, चैंबर ने लिखा डीएम को पत्र, कहा लकड़ी ढाई पुल जल्द चालू हो तो जर्जर अखाड़ा घाट पुल से घटेगा ट्रैफिक लोड। तीसरे चरण में समस्तीपुर की 42 पंचायतों में होगी वोटिंग। दलसिंह सराय के 14 व उजियारपुर के 28 पंचायतों में होना है चुनाव। 1268 पदों के लिए बनाए गए 575 मतदान केंद्र। मुजफ्फरपुर में जमीन के अंदर से निकली शराब की पेटी, हथौड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, गड्ढे से 100 कार्टून शराब बरामद। पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान कल, 81,616 प्रत्याशियों में से 38,555 पुरुष और 43,061 महिला प्रत्याशी मैदान में। 35 जिलों में 57 लाख मतदाता के हाथ में भविष्य। यूपी के बाराबंकी में भीषण हादसा, टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, 14 यात्रियों की मौके पर ही मौत, 30 घायल, गाय को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। चुनौतीपूर्ण होगा पंचायत चुनाव का तीसरा चरण, नक्सल प्रभावित इलाकों में है 445 मतदान केंद्र, 45,600 पुलिस अफसर और जवान संभालेंगे मोर्चा। लूटपाट के दौरान पिकअप चालक की चाकू मारकर हत्या, प्राइवेट बस स्टैंड के पास खराब हो गई थी पिकअप, मिस्त्री को ढूंढने निकला चालक तो अपराधियों ने किया हमला। नवरात्रि का पहला दिन गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु, बक्सर की रामरेखा व चौसा महादेवा घाट पर लगा हजारों श्रद्धालुओं का तांता, डीजे बजा समितियों ने निकाली कलश यात्रा। बदमाश ने लूट के दौरान मारी चाकू, नवादा में बाइक पर सवार लोगों को बदमाशों ने रोका, फिर चाकू से हमला किया, दुकान बंद कर घर जा रहे थे कारोबारी।